तो आप चुनो आपको कहां रहना है, कमाने वालों में से रहना है या खाने वालों में से रहना है? तो ये आपकी चॉइस है। अब यहां पर जो मैं आईओसी प्लान बता रहा हूं, ये प्लान में फास्ट काम करने के लिए या आगे बिजनेस को तेजी से फैलाने के लिए कंपनी ने एक तरीके से सीड स्टॉक बोलो या एक इन्वेस्टमेंट बोलो, इन्वेस्टमेंट आज कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको क्या लगता है कितना इन्वेस्टमेंट होता है? आपने बिजनेस किया है ना, कितना पैसा लगा आपके प्लाई के बिजनेस में? 15 लाख। हम सबको आप प्लाईवुड के बिजनेस में डाल दो, चलो कितने लोग शामिल होते हैं हमारे साथ, कितना लगता है एक बार फिर बोलना? 15 लाख। चलो सब लोग 15-15 लाख निकालो। किसी के पास नहीं। अभी क्या करें? कोई रास्ता ही नहीं है। फिर क्या करें? कुछ नहीं करें, नौकरी करें। चलो नौकरी करें। समझ में आया बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आपका बिजनेस कितना लगता है? सर हमारे यहाँ अगर 2 लाख है तो भी काम होता है, 1 लाख है तो भी काम होता है, और अगर बड़ी बड़ी कंपनियों का टेंडर लेना है तो कम से कम 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट होना चाहिए कंपनियों को। 2-2 लाख ऐसे कितने बार लगाना पड़ेगा? जितना बार आपको और उसके अंदर आप लॉस भी थोड़ा सा बता दीजिए। लॉस होता है ना सर। कितने का? अभी आज हमारा 22 रुपए का EMS खरीदी है और 18 रुपए में मार्केट में बिकता है, 4 रुपया लॉस। नहीं टोटल लॉस बताइए। टोटल लॉस बोले तो अगर एक गाड़ी में अगर हम 10 टन माल भरते हैं, हाँ, और 4 रुपया किलो पीछे नुकसान होता है तो गाड़ी पीछे 40,000 जाता है, 10,000 ऊपर से ट्रांसपोर्ट खर्चा, आदमी का पगार, गाड़ी पीछे 50,000 नुकसान। अगर महीने में हम 4 गाड़ी भरते हैं तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। चलो क्या करें फिर? बिजनेस कर रहे ही नहीं। बिजनेस में एक चीज ध्यान रखना, या 15 लाख लगाओ नुकसान झेलो, या 2-5-10 लाख लगाओ नुकसान झेलो, या नौकरी करो फिर भी नुकसान झेलो। नुकसान लाइफ में होता ही है। आप भले नौकरी करो, आप भले बिजनेस करो, नुकसान लाइफ में होता ही है। समझ में आ रहा? बट हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी में, बिजनेस में और DXN की अगर ये IOC प्लान में हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लागत की जब हम बात करते हैं, है ना, तो क्या हम लगाने वाले हैं और आम तौर पे हम क्या निकालते हैं और DXN में हम क्या निकाल सकते हैं, ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि लागत क्या होता है और खर्चे क्या होते हैं। बहुत सारे लोग लागत को खर्चा समझ देते हैं इसलिए पैसा नहीं लगा सकते। अब अगर मैं पैसे लगाने की अगर बात कर रहा हूं, लागत की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। सही है। अब मान लो एक बंदा है जिसके पास 200 रुपया जेब में है, ठीक है, अब अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की कोई तकलीफ हो जाती है, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और हॉस्पिटल में 25,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। अब मेरे पास 200 रुपया है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डॉक्टर साहब रहने दो अभी देख लेंगे बाद में? ऐसा कोई बोलता है? क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंतजाम? पर मेरे पास तो है ही नहीं। हम कहीं ना कहीं किसी से मांग कर जमा करके उसको एडमिट करते हैं कि नहीं करते? उसी तरीके से अगर बच्चे की फीस भरनी है या अचानक से कोई खर्चा निकल कर आता है तो हम उसको करते हैं। उसी तरीके से घर में शादी निकल कर आती है तो हम जमा करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, अब ये पैसा गया बराबर ना, हमने लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद में, एक हफ्ते के बाद में जब शादी हो गई, शादी होने के एक हफ्ते के बाद में वो तंबू वाले को जाके बोल सकते हैं क्या कि
कि भाई अभी तो शादी हो गई, अभी उस दिन पैसे दिया था, वापस दे दो। बोल सकते हैं क्यों? तो खर्चा है। खर्चा वो चीज है जो गई तो वापस नहीं आती। लागत वो चीज होती है जो, ये आपको बताएंगे लागत क्या होता है। इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करता क्यों है आदमी? फायदे के लिए, कमाने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बराबर ना। तो लागत क्या होता है? लागत का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा वापस निकालने के लिए, इसको बोलते हैं लागत। ये दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो डीएक्सएन में जो आप पैसा लगाने वाले हैं वो लागत है, वो आपका रिटर्न भी आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं नौकरी, ठीक है, और दूसरी तरफ हम पहले देखते हैं बिजनेस, है ना, और बीच में डीएक्सएन डाल देते हैं, ठीक है। नौकरी हम करते हैं तो नौकरी करने के लिए बचपन से लेकर बच्चे को पढ़ाना पड़ता, आज की तारीख में नौकरी के लिए वही चाहिए ना, पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने में क्या लगता है कि आज की तारीख में अगर बच्चे को अगर एक डिग्री ग्रेजुएट बनाना है तो कितना रुपया खर्चा आता होगा? नर्सरी से लेकर 50 लाख। अरे यहाँ बोली नहीं लग रही है भाई, अंदाज बताओ। डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो 50 लाख रुपया लग जाता है, जैसे हाई स्कूल इंटर इंजीनियर करोड़ों जाएगा, हाई स्कूल इंटर में काम हो जाता है, करोड़ों के नीचे नहीं पहुंचेगा। तो अगर हम देखते हैं जॉब में, अगर 15 साल पढ़ाई करते हैं, बराबर, तो कम से कम 5 लाख रुपया तो खर्चा हो जाता होगा, होता होगा कम से कम, उससे ऊपर ही जाता है, पर हम 5 लाख पकड़ते हैं, है या नहीं? 5 लाख लगाने के बाद आज नौकरी कितने की मिल रही है? वो भी पैसा देने पे मिल रही है। हाँ, वो भी पैसा देने पे मिल रही है, गवर्नमेंट नौकरी। कितना है? 8,000, 10,000, 12,000, बढ़ते बढ़ते अगर एक एवरेज में पकड़ता हूं 25,000, और यही 25,000 मुझे अगर लगातार आ रही है 60 साल, बराबर। अब 60 साल की बात मैं कर रहा हूं तो कितने लोग 60 साल काम कर रहे हैं? आज 60 साल उम्र हो गई है लोगों की, तो काम छोड़ो, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 60 साल अगर वो काम करता है, और यहां पे जो मैं 25,000 पूरी कमाई बता रहा हूं, अभी तो खर्चा मैंने पकड़ा ही नहीं हूं, खर्चा पकड़ लिया तो ये जीरो हो गया, कुछ बचता है क्या हाथ में? जो लोग नौकरी करे बचता है? नहीं बचता है, जरा भी नहीं, बराबर नहीं बचेगा, और बाद में घर में इज्जत भी नहीं रहती। अच्छा है, वो अलग चीज है वो। तो ये देखो कि 25,000 अगर 60 साल कमाएंगे तो 60 साल में टोटल इनकम हमारी होगी 1,80,00,000। ये 60 साल की कमाई है। तो जो लोग नौकरी कर रहे इससे थोड़ी कमी होगी, 25,000 से कमी सैलरी होगी, फिर भी 25,000 के हिसाब से कितना हो गया? तो आप लोग किस लिए काम कर रहे हो देख लो, ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते नहीं है, कोई और हमको आगे बताएगा तो हम देखते हैं। तो 60 साल में इतना हाथ में आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर सब जीरो हो गया तो ये भी कुछ काम का नहीं है। फिगर दिखने में बहुत अच्छा है पर हाथ में कुछ नहीं है। अब हम बिजनेस की बात करते हैं, बराबर। अब बिजनेस चालू करने के लिए उन्होंने तो 15 लाख बताया, पर मैं बोलता हूं बिजनेस के लिए भी अगर 5 लाख लगता है, ज्यादा लगता है, वो 15 बता रहे, पर फिर भी मैं 5 पकड़ रहा हूं, चलो खुशी मनाने के लिए कि 5 लाख ही लगता है, क्योंकि 5 लाख ये 5 लाख लगने के बाद लगेगा ना, तो ये तो मैंने अभी तक पकड़ा ही नहीं, हो तो 5 लाख तो बाद में लगेगा सिर्फ उस बिजनेस के लिए, बराबर। अब
पांच लाख लगने के बाद क्या लगता है महीना कितना कमाएंगे बिजनेस में, आप कितना निकाल लेते हो? 40-50 बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, बहुत मुश्किल हो जाता है। बचता कितना है? इतना इतना टेंशन लेके भी 10-20 ही बचता है। चलो मैं थोड़ा सा खुश कर देता आपको। चलो हम लोग मान लेते हैं कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमा लेते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 लाख आता ही नहीं है। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 1 लाख रुपया महीने का अगर आता है और हम भी अगर 60 साल इसका हिसाब करते हैं तो टोटल इनकम कितनी हुई पता है? 7,20,00,000। अब दोनों को, एक जॉब करने वाले को, ये मैं जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जो नेटवर्क वाले बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे जो बिजनेस करते हैं उनकी इनकम तो अलग ही लेवल पे जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जॉब में ये हमारी हकीकत है। कितने लोग खुश है? तो नहीं, मैं बोल रहा हूं खुश नहीं है ना, तो हम पेड़ थोड़ी है कि कोई आके हिलाएगा तो हिलेंगे। खुद हिलना शुरू करो, खुद अपना रास्ता बनाना शुरू करो। बिजनेस वाले ये इनकम है, वो भी बहुत तकलीफ बहुत झंझट के बाद आता है। बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये झंझट कौन पाले, सही है। इसलिए लोग नौकरी करते हैं। पर अब यहां का झंझट हटा दिया, यहां का पैसे का प्रॉब्लम हटा दिया तो कर सकते हैं। अच्छा, अब डीएक्सएन में ये 5 लाख की जगह पे अगर मैं आपको बोलता हूं एक बार 22,500 रुपया इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं? एक बार जिंदगी में कर सकते हैं? अब मैं कहां से लाऊंगा आपका प्रॉब्लम, मेरे पास नहीं है आपका प्रॉब्लम, मुझे नहीं करना है आपका प्रॉब्लम, क्या मिलेगा वो बताने का मेरा प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आगे जाकर जो मुझे मिल सकता है अगर वो करने के लिए मुझे लगाना पड़े तो आप डिसाइड करना कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं अक्टूबर में तो अक्टूबर में ही लगाना है, लाइफ में एक बार लगाना है, समझ में आया? तो आप ऐसा एकदम अभी मैंने बता दिया तो एकदम ही कुदिया मार दिए, इसका उसका लूट के लेकर आ गए। वो अभी मैं पिक्चर देख रहा था हंगामा, बाप हंगामा, वो अक्षय खन्ना वाली है ना, उसमें बाप उसको बोलता है जहाँ डाका दाल चोरी दाल मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाला, तो उसी के घर में चोरी करता है। तो ये सारे आइडिया मैं नहीं दे रहा हूँ, हाँ नहीं तो जाके ये सारे काम नहीं करना, ठीक है? हाँ आइडिया मैं दे रहा हूँ, इसमें क्या आ सकता है। तो हिम्मत आपको करनी है और हिम्मत से बिजनेस किया जाता है, समझ में आ रहा? हिम्मत से, पैसे से बिजनेस नहीं होता है, हिम्मत से बिजनेस होता है। सही है गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं तो इनके बाजू में आप क्या करते हो? जॉब करते हैं, बाजू में बैठे ना, अगर इतना ही ऐसा बाजू में बैठे हैं तो इनको भी तुरंत बिजनेस कर लेना चाहिए, है या नहीं? तो उसके लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत वक्त लगता है, और हिम्मत जो आती है ना ये मालूमात से आती है, क्योंकि बचपन से जहां पे हम रहे हैं वहां पे लोगों के पास हिम्मत भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो जब हमें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले वही लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है ना, वही सबसे पहले नीचे खींचेंगे, समझ में आ रहा है? तो हमें वो जो खिलौने का रॉकेट होता है ना, हमारे अंदर उतनी आग नहीं चाहिए, हमारे अंदर वो असली वाले रॉकेट जितनी आग चाहिए तो ही आगे निकल पाएंगे, समझ में आ रहा है? और उसमें कुछ लोग जल भी जाएंगे, जलेंगे मतलब कैसा,
कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग हमें कुछ बोलेंगे और हम कुछ भी बोल सकते हैं उल्टा। कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग हमें ऐसी ऐसी बातें करेंगे और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी आप एवरेज कितनी सारी सैलरी लेते हो? 10,000, 15,000, 20,000 के करीब। आप जाके बोलोगे 2 लाख आ सकता है, 20 लाख आ सकता है। आपका नाम क्या बोले आपने? शिव कुमार। कहाँ से हो आप? भांडुप नहीं, आपका गांव कौन सा? तमिलनाडु। अभी वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है तो मैं वो लैंग्वेज में आपको बोलता। ठीक है, बोलेंगे अरे चुप कर रे, कभी आया कर 2 लाख रुपया, 20 लाख की बात करता है, बुरा लगेगा पर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। और क्योंकि वो हमारे दोस्त है ना, तो उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज, उन्हें कब बोलते ना कि अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा जो रिवेंज हम बोलते ना, किसी को बोलने से बेहतर कामयाब बन के दिखा दो। जब आप कामयाब बन जाओगे ना, वही लोग जो बोलेंगे ना अरे पागल है क्या, 2 लाख बोलता है, आएगा क्या कभी, जा करके दिखा दे, चल जा कर ले। और जब आप करोगे ना, वही लोग आएंगे मिलने के लिए और बोलेंगे हमको पता था कि तुम एक दिन कुछ करेगा। समझ में आया? वही लोग बोलेंगे। बस देखो फर्क क्या हो गया, माने हम भी वही है, वो बंदा भी वही है, हमारे हालात बदल गए। और बाद में क्या बोलेंगे पता है? अरे तुम्हारे तो नसीब अच्छे थे, तुम आगे निकल गए। नसीब अच्छे थे, मेहनत किए। तो मेहनत करने वालों के नसीब भी अच्छे होते हैं। अब ये 22,500 हमें लगाना क्यों है ये देखो, और आगे करना क्या है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये 22,500 मैं क्यों बता रहा हूं? इसमें 20,000 रुपया आईओसी में जाएगा और ये जो 2,500 है ये 1,000 PV पूरा करने में जाएगा। क्योंकि जब तक आपको यहां का बोनस नहीं आएगा तब तक आपको आईओसी से बोनस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां का बोनस एक बार रिलीज होना चाहिए अगर आपको यहां से बोनस चाहिए तो। तो ये 22,000, और जो 20,000 दे सकता है वो 22,500 भी दे सकता है। और अगर मैं आपको आके बोलता हूं एक बार 20 लगाना है, एक बार 20,000 लगाना है, आप मुझे निकाल के दे दिए, आपने 10 लोग लेकर आ गए, इनको भी जोड़ो, क्या वो जोड़ सकते हैं? क्योंकि 1,000 PV हुआ नहीं ना, 1,000 PV होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा अरे यार इनको क्यों लेकर आ गए, अभी आप एक काम करो 2,500 और दो तो इनको भी जोड़ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? अरे यार अभी तो 20,000 की खरीदी किया, अभी ये 2,500 बोल रहा है, अरे यार ये तो बार बार पैसा मांग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। होगा कि नहीं होगा? तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए सीधा सीधा 22,500 बोलो। और तुरंत आईडी बनाने के बाद में आप आईओसी में 20,000 का खरीदी करवाओ और अलग से इसका बिल। बराबर? अब समझ में आ गया? अभी हमने लगा लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है